नमस्कार दोस्तों स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो भारत के लिए और भारत की वायुसेना के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर इंडिया ने अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम वन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे व्हाट इज दिस एंटी रेडिएशन मिसाइल एंड आल्सो हम बात करेंगे किस तरीके से रुद्रम वन हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको किस तरीके से बढ़ाता है चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पी को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी IQ की ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से एंड इस ऐप पे हमने आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ पास्ट ईयर प्रिलिम्स डिस्कशन कोर्स सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा इसमें कई सारे एस्परेंट्स को ऑलरेडी हेल्प कर दिया है एंड इसमें हमने एक यूनिक स्ट्रैटेजी के साथ पिछले दस साल के पेपर को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है ऑल So, यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं कल सुबह की ये खबर है एंड यहां पर जैसे ही ये सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हुई हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्विटर के माध्यम से बताया द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इंडिया फॉर द इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्सफुली टेस्टेड सक्सेसफुली एट आईटीआर बालासौर सो बालासौर जो कि ओडिशा में हमारी मिसाइल रेंज है वहां पे इसमें इसको टेस्ट फायर किया गया और इट वाज अ सक्सेसफुल एंड फाइनली उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन टू डी एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर दिस रिमार्केबल अचीवमेंट सो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली जो मिसाइल है रुद्रम वन एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर इसको इंटीग्रेट किया गया है, है? So, इंटीग्रेट की गई है हो सकती है केवल टेस्ट फायरिंग के लिए सुखोई थर्टी के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया था आगे जाकर इट कैन बी एडेपेड फॉर लॉन्च फ्रॉम अदर फाइटर जेट्स एज वेल इसका जो लॉन्च था ये कल सुबह की बात है फ्राइडे सुबह दस साढ़े दस के आसपास इसका जो लॉन्च था वो सक्सेसफुली यहां पे एग्जीक्यूट किया गया था राइट right? नाउ बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन एंटी रेडिएशन मिसाइल सो देखिए ये मिसाइल क्या होती है ये करती है डिटेक्शन ट्रैकिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द एडवर्सरीज रेडार कम्युनिकेशन एसेट्स एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी सो नॉर्मली जो मिसाइल्स होती हैं वो एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती हैं दैट इज हीट सिग्नेचर ठीक है वो हीट सिग्नेचर को ट्रैक करती है उसके अनुसार एंटी ऊपर काम नहीं करती, ये काम करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज के ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी का अगर सोर्स कहीं से भी मिलता है उसको ये डिटेक्ट करती है उसको ये ट्रैक करती है एंड उसके बाद उसी को न्यूट्रलाइज कर देती है नाउ ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ठीक है उनको ये पकड़कर उनको डिटेक्ट करके इट कैन न्यूट्रलाइज विच गिव्स अ वेरी ह्यूज एडवांटेज टू अटैकर यहां पे अगर आप देखें इसमें एक और भी अच्छी चीज है इस पर्टिकुलर मिसाइल में पैसिव होमिंग हेड भी है पैसिव होमिंग हेड का मतलब क्या होता है इस केस में अगर मान लीजिए जो आपका सोर्स है उसने अपनी रेडिएशन सोर्स को फॉर मोमेंटरली स्विच ऑफ भी कर दिया है उसके बावजूद भी आपकी जो मिसाइल है ये उसको स्ट्राइक कर सकती है वो भी पिन पॉइंट कैपेबिलिटी के साथ नाउ दिस इज अज डेवलपमेंट बिकॉज नॉर्मली अगर आपका हीट सिग्नेचर गायब हो जाता है उस केस में मिसाइल एक तरीके से वेस्ट हो जाती है लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स अगर कुछ टाइम के लिए गायब भी हो जाता है तब भी ये वाली मिसाइल काम करेगी इफेक्टिवली काम करेगी टॉकिंग अबाउट रुद्रम एग्जैक्टली exactly, सो so, रुद्रम का वैसे तो एक और नाम है दैट इज़ एन जी ए आर एम न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल इसको डेवलप किया है डी ने और ये एक एयर टू सर्फिस मिसाइल है जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको फायर किया गया था सुखोई थर्टी एम के आई से सो एयर टू सर्फेस मिसाइल है राइट एंड यहाँ पर इसमें जो मिसाइल थी ये तो बनाई गई थी डी के द्वारा लेकिन इसकी जो इंटीग्रेशन थी सुखोई थर्टी एम के आई के साथ इसको यहाँ पे हेल्प किया था आई ए एफ एंड हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने इसकी डेवलपमेंट भारत ने लगभग आठ साल पहले शुरू की थी एंड नाउ फाइनली हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है इंपॉर्टेंट टू नोट ये एक है, हमने अपने घर में ही इसका किया है, very, very यहां पर रुद्रम जो है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका एग्जैक्ट मतलब होता है रिमूवर ऑफ दिस ऑल्सो कन्वेज अ लॉट ऑफ मीनिंग टू द वर्ड ऑफ रुद्रम नाउ अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो जो मिसाइल जो कल फायर की गई है जिस पर्टिकुलर हाइट से उसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल्स का ये मानना है कि इसकी जो रेंज है ये असल में डिपेंड करती है हाइट के ऊपर यानी कि कितनी हाइट से आपने बेसिकली इसको फायर किया है ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन फाइव मीटर से लेकर पंद्रह किलोमीटर की हाइट तक से आप इसको फायर कर सकते हैं इसके चलते इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम ढाई किलोमीटर तक भी हो सकती है एंड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज करंटली मैक टू मैक टू या फिर ट्वाइस द साउंड ऑफ स्पीड विच इज ऑल्सो गुड इनफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू नोट ये वाली मिसाइल एक काफ़ी हद तक कंपेरेबल है टू द मिसाइल जिसको कमीशन किया था यूएस की नेवी ने 2017 में उनके पास भी एक सिमिलर मिसाइल है जिसमें वो एडवांस्ड एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल जिसको बोलते हैं वो एंड इसके पास भी शटडाउन कैपेबिलिटी है शटडाउन कैपेबिलिटी इज एक्जैक्टली द सेम जो हम आपको बता रहे थे कि अगर रेडिएशन सोर्स ऑफ हो जाता है उसके बाद भी मिसाइल को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखती है सेम थिंग जो कि यूएस की मिसाइल के पास है वो इंडिया की मिसाइल के पास भी अवेलेबल है नाउ फाइनली हम बात करते हैं कि ऐसी मिसाइल का यहां पे सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग इतना सिग्निफिकेंट क्यों है भारत के लिए देखिए इसके लिए सबसे बड़ा कारण आता है कि हमारी जो आई की क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है वो सब्सटांशियली बढ़ जाती है द केपेबिलिटी ऑफ सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीड केपेबिलिटी ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है नाउ अगर आप देखें जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं कुछ भी हो उसमें अर्ली वार्निंग रेडार्स हो ठीक है उसमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हो सर्वेलेंस सिस्टम्स हो अगर आप उनको डिसरप्ट या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बिफोर इवन द वॉर हैज स्टार्टेड और बिफोर इवन द क्लैश है स्टार्टेड तो आप यहां पर एक बहुत ही बड़ी लीड बहुत ही बड़ी एडवांटेज यहां पर अटेन कर सकते हैं ओवर द एनिमी नाउ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि आज का जो वॉरफेयर है जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है इस टाइम पे ऐसे मिसाइल का टेस्ट होना और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है बिकॉज द मॉडर्न डे वॉरफेयर इज मोर एंड मोर नेटवर्क सेंट्रिक अगर आप यहां पर एनिमी के एडवर्सरी के जो नेटवर्क हैं उसको ही डिस्कट कर दे रहे हैं हाउ विल दिनिमी कम्युनिकेट वो यहाँ पे कैसे बताएंगे कि हमें इस चीज so so, की जरूरत एंड सो ऑन सो दिस इज अज डेवलपमेंट जो कि भारत के पास अब आ चुकी है एंड अगर आप देखें ये हमारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट है पिछले साल की बात है मई 2019 की जब भारत ने सुखोई थर्टी एम के आई के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर दिया था नाव अगर आप देखें ब्रह्मोस मिसाइल एक तरफ एंड साथ में वी हैव द रुद्रम मिसाइल सो so, रुद्रम मिसाइल से हम एनिमी या एडवर्सरी के डिफेंस सिस्टम्स को बेसिकली खत्म कर सकते हैं उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल से हम एनिमी या एडवर्सरी के को टारगेट भी कर सकते हैं सो नाउ वी हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री एबिलिटी पहले डिटेक्शन की एंड देन टारगेटिंग की सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द आई एंड फॉर द कंट्री ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टेट यून एंड स्टे सेफ